कि जनता क्या माने, हम लोग क्या मान के चले कि गरीबी कम हुई है या नहीं हुई है। देश में गरीबी बढ़ी है पिछले सालों के तुलना में अगर आप देखें तो मोदी की बीजेपी की पिछले 10 साल की सरकार में 2014 से लेकर 2024 की सरकार में अब ये थर्ड टर्म उनका स्टार्ट हो गया है, 25 से 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। का भारत ये खास कार्यक्रम है और इसमें हम लगातार बातें करते हैं उन लक्ष्यों की जिन पर लगातार भारत देश को काम करने की जरूरत है। क्या अभी हालात बने हुए हैं इन लक्ष्यों को लेकर, ये भी एक आम नागरिक को भी इस बात को जानने की जरूरत होती है। और इसी इन्हीं कुछ लक्ष्यों पर हम लगातार बातें करते नजर आते हैं, अलग अलग मेहमान हमारे साथ जुड़ते हैं। और आज के जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं शिल्पी मंजूर जी, जो कि इंचार्ज है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश माइनॉरिटी डिपार्टमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस से। सर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में खास बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया स्नेहा आपका। पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, आपकी पूरी टीम का, कि एक ऐसे इशू के ऊपर, एक ऐसी मुहिम, एक ऐसे विजन के ऊपर आप लगातार हर डोमेन के लोगों से, लीडर से, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से आप बात कर रही हैं और हमारे सपनों का भारत 2030 में कैसा हो, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट किए गए हैं यूएन के द्वारा, उसके उपलक्ष्य में आप बात कर रही हैं, बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि ऐसी बात जनता तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए आपके प्रयास के लिए आप और आपकी पूरी टीम बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और ये 2030 के जो लक्ष्य हैं और 2030 में भारत कैसे दिखेगा, इसको लेकर ही मेरा आपसे पहला सवाल है कि 2030 तक आप भारत देश को कहाँ देखते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी, हंगर एंड एजुकेशन? स्नेहा, 2030 में भारत को कहाँ देखते हैं, अगर आप मेरी इच्छा पूछें, जो मेरी ख्वाहिश है, जहां मैं देखना चाहता हूं अपने मुल्क को, अपने देश को, तो वो तो बहुत अलग है। मैं चाहता हूं कि देश का हर बच्चा स्कूल जा रहा हो जी, अच्छी शिक्षा पा रहा हो, शिक्षा प्राप्त युवा रोजगार पा रहे हो, रोजगार प्राप्त लोग अपने जीवन यापन अच्छे प्रकार से कर रहे हो, उनको चीजें सस्ती दरों पे मिल रही हो, उनको अच्छा हेल्थ सिस्टम मिल रहा हो, उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट इस मुल्क में रहने के लिए मिल रहा हो। लेकिन मेरे चाहने से केवल ऐसा नहीं होता है। बीइंग ए पॉलिटिशियन एंड बीइंग इन्वॉल्वड इनटू पॉलिसी मैटर्स, आज के हालात को देखते हुए मेरी जो परिकल्पना है 2030 में भारत की, क्या वो परिकल्पना 2030 के भारत की वो अचीव हो पाएगी, क्या आज की मौजूदा सरकार उसको हासिल कर पाएगी, वहां तक भारत को लेके जा पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है जो मैं समझता हूँ कि हम सबको बैठ के समझ के बातचीत करके इसके ऊपर सवाल पूछना चाहिए सरकार से। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। हालांकि आपने खुद देखा होगा कि अगर हम किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें, स्पेशली अगर हम देखें कि जो ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट्स हैं जहां से लोगों को कन्वे किया जाता है मैसेज कि भारत देश को लक्ष्य मिले हुए हैं, अभी तक रीजनल जो लोग हैं, यानी लोकल लोग की बात करूं मैं, जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है या फिर जो एजुकेटेड भी है ज्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है, उनको ये भी नहीं पता है कि 2030 तक भारत को कुछ लक्ष्य मिले हुए हैं और उनको हासिल करने हैं। यानी कि कुल मिलाकर इंडिया में या भारत देश में ये देखें तो अगर हम अवेयरनेस की बात करें तो बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है इन चीजों को लेकर कि भारत देश को कुछ लक्ष्य मिले हुए हैं, उनको भी हासिल करना है। चलिए इसी के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ और अगला सवाल मेरा ये है कि गरीबी की अगर हम बात करें तो देखिए गरीबी के बारे में कहा तो ऐसा ही जाता है, रूलिंग पार्टी कह रही है कि गरीबी कम हुई है और मेरा हर इंटरव्यू में ये सवाल रहता है कि कहा तो जा रहा है गरीबी कम हुई है और मुझे वहां से रिवर्ट यही मिलता है कि गरीबी कम हुई है तो राशन क्यों बांटा जा रहा है, राशन इतने लोगों को क्यों बांटा जा रहा है। अब मेरा यहाँ पर ये सवाल है कि गरीबी कम हुई है कह रहे हैं, रूलिंग पार्टी कह रही है गरीबी कम हुई है, ऑपोजिशन से हमें ये सुनने को मिलता है कि गरीबी अगर कम हुई है तो राशन क्यों बांटा जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जनता क्या माने, हम लोग क्या मान के चले कि गरीबी कम हुई है या नहीं हुई है, या फिर ये ऑपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी आपस में ही गेम खेल लेते हैं और क्या जनता जो है वो यहाँ पर बेवकूफ बनती नजर आती है?
नहीं, इसने आपने बिल्कुल ठीक कहा। पहले तो मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ कि सूचना प्रसारण मंत्रालय को जिस तरह से इस 2030 के लक्ष्य के जो भारत को दिया गया है, जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को SDG को लेकर के वो लोगों तक पहुँचाने की जरूरत है, उसमें वो अपर्याप्त नजर आते हैं। और मैं जी समझता हूँ कि वो सूचना पहुंचाने से ज्यादा जरूरी इस बात की विवेचना करना है कि सरकार ने 2030 के जो लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या तैयारियां की हैं। और अभी तक हम केवल 5-6 साल और रह गए हैं 2030 में पहुंचने में, प्रवेश करने में, उस गोल के बिल्कुल कितना करीब हम लोग पहुंचे हैं ये समझने की बात है। उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, विरत चर्चा होनी चाहिए। दूसरी बात, बिल्कुल ये आप कह रही थी अभी कि ये जो आरोप प्रत्यारोप का खेल पक्ष और विपक्ष के बीच में चल रहा है, गरीबी के ऊपर सरकार ये दावे करती है कि आज के इस भारत में गरीबी कम की गई है, बिल्कुल और अपोजिशन हमारी पार्टी या दूसरी अपोजिशन पार्टियां या जितनी भी सिविल सोसाइटीज हैं जो जी देश का भला चाहती हैं, देश के नागरिकों का भला चाहती हैं, वह लगातार ये सरकार से सवाल कर रही हैं, पूछ रही हैं, और ये मुद्दा उठाती रही हैं कि देश में गरीबी बढ़ी है पिछले सालों के तुलना में अगर आप देखें तो। अब मैं जी आप आरोप प्रत्यारोप की बात छोड़ दीजिए, मैं डेटा के ऊपर आता हूँ, डेटा के बेस पे बात करता हूँ आपसे। तो एक तो इस सरकार ने डेटा पब्लिश करना बंद कर दिया है, ये बहुत बड़ी दुविधा है देश के आगे। देश की जनता सरकार की परफॉर्मेंस, सरकार की जो जो काम करने की कार्यशैली है उसकी गुणवत्ता को जनता नापती थी डेटा के बेस पे कि सरकार ने कैसा परफॉर्म किया है। जब डेटा आएगा उसके डेटा के हिसाब से हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज में कितनी गिरावट हुई है, किस इंडेक्स में हम आगे हुए हैं, किस इंडेक्स में पीछे हुए हैं। सरकार ने वो डेटा जारी करना बंद कर दिया है, ये बड़ी विडंबना है इस देश की। लेकिन मैं जी उसके अलावा दो तीन चीजों के साथ प्रामाणिकता के साथ आपको ये मैं साबित कर दूंगा कि जो गरीबी है पिछले 10 सालों में भारत के अंदर बढ़ी है। आप एक एक बात समझें कि जब गरीबी आप कहती हैं, जब पॉवर्टी की बात होती है, तो पॉवर्टी से एक मतलब क्या समझती हैं आप? मैं बड़ी लेमैन लैंग्वेज में, बड़ी सरल भाषा में आपके सामने मैं बताना चाहूंगा, गरीबी का मतलब कि आपकी जो परचेजिंग पावर है, आपकी खरीदने की क्षमता कम हो जाती है, और बिल्कुल आपकी क्षमता कम होते होते इतनी कम हो जाती है कि आप जो बेसिक नेसेसिटी है, जो आपकी मूलभूत जो जरूरतें हैं आपकी, वो भी पूरा करने के लिए आप सक्षम नहीं रहते हैं। तो आपको कहा जाता है करेक्ट बिलो पॉवर्टी लाइन हो गए। तो अब आप एक बात समझें कि पिछले 10 सालों में जब महंगाई 4 गुना बढ़ गई है, एक व्यक्ति जो 10 साल पहले 100 रुपये कमाता था और 100 रुपये में डेली के कमाई पे अपने घर का सारे सदस्यों का भरण पोषण करता था, उस व्यक्ति जी की 100 रुपये की खरीदने की क्षमता आज के समय में 20-30-40 रुपए की हो गई है, बिल्कुल परंतु उस अनुपात में उसकी आमदनी नहीं बढ़ी है, बिल्कुल आमदनी नहीं बढ़ी है। दूसरा, रोजगार के अवसर नहीं आए, पर्याप्त तो रोजगार के अवसर, इसमें तो आप मुझसे एग्री करेंगी कि पिछले बिल्कुल दस सालों बिल्कुल में जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ी है, इतने भी इंटरनेशनल डेटा सर्वे हैं, लोकल एजेंसीज के सर्वे उठा के देख लीजिए, इस समय भारत के अंदर बेरोजगारी दर सबसे अधिक है, ऐतिहासिक रूप से ज्यादा है। इतनी बेरोजगारी दर सन 50 में भी भारत में नहीं थी जब हम फौरन आजाद हुए थे, उससे ज्यादा युवा इस समय में बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो जब बेरोजगार बिल्कुल है तो उसका मतलब उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं है, यानी करेक्ट वो गरीब हो गए। उनके परिवार में कोई सदस्य कमाने वाला था तो उसकी कमाई से परचेजिंग पावर जो 10 साल पहले थी वो कम हो गई है, तो वो करेक्ट गरीब हो गए। तो पॉवर्टी एलिविएट करने की जो बात ये सरकार कर रही है, दावे कर रही है, झूठे वादे हैं। कोविड के दौरान आपने देखा, ये सरकारी आंकड़ा है, एजेंसियों ने जारी किया कि 6 से 7 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया, बेरोजगार हो गए वो लोग। करेक्ट उसके बाद क्या सरकार ने कोविड के बाद से इस प्रकार के कोई कोई काम किया, कोई निर्णय लिए जिससे बड़े स्तर पे रोजगार उत्पन्न किया जाए? नहीं लिए। तो वो लोग जो बेरोजगार हुए तो वो कहाँ गए? वो गरीब होते चले गए। कांग्रेस के शासन में, UPA 1 UPA 2 में अच्छी उदार जो फिनांस की नीतियां थी उसके माध्यम जी से 20 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाल के ऊपर लाया गया था, मध्यम वर्गीय बनाया गया था। आज की स्थिति अगर आप करें, उसका आकलन जी करें, अलग अलग सोर्सेस के डाटा को आप देखें, तो हाँ मोदी की बीजेपी की पिछली 10 साल की सरकार में, 2014 से लेके 2024 की सरकार में, अब ये थर्ड टर्म उनका स्टार्ट हो गया है, 25 से 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। तो ये तो इसका आकलन आप स्वयं करें तो आपको समझ में आएगा कि गरीबी पिछले 10 सालों की तुलना में आज ज्यादा बढ़ी हुई है। इस पे तो बिल्कुल बहस का कोई बिल्कुल मुद्दा ही नहीं बनता है। सरकार इस पे खुद को डिफेंड करना बंद करके सीरियस इश्यूज के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर, पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर काम करे, और सीरियस काम करने की जरूरत है अगर हम जी 2030 बिल्कुल के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल 2030 तक की हम कल्पना तो कर रहे हैं, लेकिन हालात इतने बुरे हैं कि ये सोच पाना कि 2030 तक
सारे लक्ष्य प्राप्त हो जाए ये बहुत ही मुश्किल है। संभव सारे नहीं दिखता क्या और इसकी इसका मुझे दुख है। बिल्कुल बिल्कुल एक हर एक भारत के नागरिक को इसका दुख होगा, क्योंकि कुछ लोगों को तो पता भी नहीं है कि ये लक्ष्य है, और जिनको पता है वो जान के काफी ज्यादा दुखी होंगे, क्योंकि नहीं लगता है ऐसा कि हाँ अगर लोग अपने आप में, क्योंकि लोगों को भी तो बरगलाया जा रहा है। अगर हम ये देखें जब चुनाव की बारी आती है तो लोगों को भी बरगलाने का काम किया जाता है, लोग भी भटक जाते हैं और वो भी गलत डिसीजन लेते हुए नजर आते हैं। चलिए मेरा ये कुछ ज्यादा ही राजनीतिक उसमें मैं नहीं एंटर नहीं हो गई थी आपने मैं। चूंकि इस पहलू को छेड़ा है तो मैं चाहता हूँ कि 2 मिनट मेरी बात इस पर सुन ली जाए। आपने एक जी मौका दिया एक राजनीतिक व्यक्ति को राजनीति के ऊपर बात करने का, तो मैं मौका छोड़ना नहीं चाहता हूँ। देश की देखिए, बताइए जी। भारतवर्ष की जनता बाय एंड लार्ज, मैं पूरे देश में घुमा हूँ, अलग प्रदेशों में जाता हूँ चुनावों को लेके, संगठन के कार्य को लेके, खुद बिहार से हूँ, उत्तर प्रदेश ईस्टर्न की जिम्मेदारी है, कुछ समय दिल्ली में बीतता है, कुछ बिहार में, विभिन्न प्रदेशों में जाता हूँ, और जो मैंने बाय एंड लार्ज देखा है, हमारे देश के नागरिक बड़े भोले भाले हैं, करेक्ट। सीधे हैं, सरल स्वभाव के हैं, आसानी से किसी भी बात में आ जाते हैं। तो ऐसे में जिम्मेदारी सरकार की बनती थी कि उनको धार्मिक उन्माद से दूर रखें, उनके समक्ष वही प्रस्तुत करें जो देश के विकास के मुद्दे हो, जो देश के करेक्ट। विकास की ओर ले जाने वाली रूपरेखा पे बात होनी चाहिए। लेकिन पिछले 10 साल में मंदिर मस्जिद, लव जिहाद और गो हत्या और इन सब चीजों से बाहर निकल ही नहीं पाए। कपड़ों से देख के पहचान लेने की बात, मतलब इस स्तर पे अगर बात होगी, देश के प्रधानमंत्री स्तर पे बात करेंगे, तो जनता तो भोली भाली है, सीधी है, सरल है, बिल्कुल वो तो डाइवर्ट हुई जाती है, भटक जाती है। चुनाव के समय भी प्रयास करते हैं वो कॉमनलाइज करने का, तो मुद्दों पे राजनीति हो नहीं पाती है और ये माहौल खराब होता है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए अब बिहार से आप ताल्लुक रखते हैं तो मैं बिहार की तरफ ही मुड़ती हूँ अब, और बिहार की थोड़ी स्थिति जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार को अगर हम पिछले बहुत सालों से, अब जो शुरू से ही बिहार को देख लिया जाए तो बहुत ही सबसे इंटेलिजेंट लोग वहीं पाए जाते हैं। अगर उनको सही तरीके का गाइडेंस मिल गया तो आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में सबसे ऊपर की पोजीशन पे एक बिहार के नागरिक को ही देख पाएंगे। बहुत से ऐसे वहां से लोग निकले जो देश के लिए बहुत कुछ करके गए, लेकिन बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पर गरीबी भी ज्यादा है, भुखमरी भी ज्यादा है, शिक्षा भी बहुत कह सकती हूँ कि शिक्षा ऐसी है कि उसको बिल्कुल नापा ही नहीं जा सकता, मतलब एकदम गिरी हुई शिक्षा वहां पर लोग प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा बाकी वहां पर ये देखा जाए तो सरकारें जो है, अगर सरकारों पे मैं जाऊं तो फायदा उठाती नजर आती है। क्या इतने सालों तक एक भी सरकार के दिमाग में ये नहीं आया कि बिहार में इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, क्या बिहार में कंपनीज नहीं हो सकती है? क्यों बिहार के लोग माइग्रेट करके दूसरी जगह चले जाते हैं? क्यों बिहार के माइग्रेट होके लोग महाराष्ट्र चले जाते हैं और फिर महाराष्ट्र से उनको भगाया जाता है? क्यों बिहार के लोग भाग के दिल्ली चले जाते हैं और दिल्ली में उनके साथ गलत ट्रीटमेंट होता है? मतलब वहां के लोग एक समय, तो अब तो फिर भी थोड़ा बहुत लोगों के दिमाग में चीजें सही हो गई, लेकिन दिमाग में कुछ पहले ऐसा हुआ करता था कि लोग बताते नहीं थे कि वो बिहार से, मतलब उस स्टेट को इतना गिरा दिया गया हर चीज में। हम देखें भुखमरी की बात करें, शिक्षा की बात करें, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, नालंदा विश्वविद्यालय की जब हम बात करते हैं तो एक अलग ही ऑरा दिमाग में आता है, लेकिन वही दूसरी तरफ देखिए पूरे बिहार की स्थिति डगमगाई हुई है। सिर्फ वहां पे कुर्सी की, बिहार का सीएम किसको बनना है सिर्फ उस वक्त अलर्ट दिखता है मुझे। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिहार की जो आज की परिस्थिति है, 2024 में हम बैठे बात कर रहे हैं, आप बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर बात करें, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर अगर बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, रोड इंफ्रा की बात करें, तो यकीनन बिहार में एक बड़े बदलाव की जरूरत है। और इस बदहाली का एनालिसिस अगर करना चाहें तो ये एक बड़ा बड़ा सब्जेक्ट बनता है, एक बृहत विषय है। बिल्कुल और एक बिहारी होने के नाते मुझे इस बात की पीड़ा है कि बिहार के जो निवासी हैं वो बड़े मेधावी होते हैं। आप देखेंगे कि बिहार के बहुत सारे लोग आपको प्रशासनिक सेवाओं में, आपको पूरे देश भर में मिलेंगे, बिहार के बिल्कुल मेधावी जो लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, वो देश के कोने कोने में जाके या तो अपने खून पसीना बहा करके अपनी मेहनत से अपना पेट पाल रहे हैं, या अपनी मेधा का इस्तेमाल करके, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके देश के विभिन्न राज्यों में जाके वहां सेवाएं दे रहे हैं। बिल्कुल ये अच्छी बात है, ठीक है, देश में ही योगदान दे रहे हैं, और हाँ
भाई भारत के निवासी हैं, सबका इक्वल अपॉर्चुनिटी है, सबका फंडामेंटल राइट है, कहीं भी जाके कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल इसमें बड़ा मुद्दा देखने वाला है कि अगर वो टैलेंट बिहार के अंदर ही रहता, बिहार के अंदर करेक्ट अगर उनको इतनी अपॉर्चुनिटी दी जाती कि यहीं रहें, यहीं फ्लरिश करें, तरक्की करें और समाज के विकास में योगदान करें, तो बिहार का जो स्थिति आज आप देख रही हैं, शायद बिहार ऐसी स्थिति में नहीं होता। इसमें मैं आपको बिल्कुल बिहार में 30-40 साल पहले लेके चलता हूँ। 30-40 साल पहले के बिहार में पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 के बाद से लेके मिड 80s तक का बिहार आप उठा के देखें, जब वो कांग्रेस शासित था, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, बिहार में कांग्रेस की सरकार थी, तो बिहार की स्थिति जो आज आप देख रही हैं इसके विपरीत थी। सबसे अधिक इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार में हो रहा था, पहला कारखाना बिहार में लगा था, लोकोमोटिव कारखाना हो, शुगर मिल हो, कॉटन मिल हो, नहरें बिहार की पूरे बिहार के सुदूर इलाकों तक सिंचाई की व्यवस्था पहुंचा रही थी, कृषि बिल्कुल उत्पाद अच्छा हो रहा था, शैक्षणिक संस्थान तरक्की कर रहे थे, यूनिवर्सिटियां खुल रही थी। उसके बाद सन 80 के दशक के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, राजनीतिक परिस्थितियां बनी जो शायद उस समय की जरूरत रही हो, उसके ऊपर टिप्पणी बिल्कुल करना एक अलग विषय है। परिस्थितियां ऐसी बनी कि बिहार सामाजिक न्याय की लड़ाई में अग्रणी भूमिका में दिखा, पूरे देश में एक बिहार ने एक मॉडल प्रस्तुत किया किस प्रकार से सामाजिक न्याय स्थापित की जा सकती है और समाज में जो पिछड़ा वर्ग है उसको भी अधिकार दिया जा सकता है, वो मॉडल बिहार ने पेश किया। पर कहीं इस मॉडल को पेश करने की दौड़ में बिहार विकास की दौड़ में पीछे छूट गया। और मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल सही समय है, बिहार में सामाजिक न्याय का बिगुल फूक चुका है, स्थापित हो चुका है पूरी तरह से। तो अब मैं समझता हूं कि बिहार में जो भी गवर्नमेंट आती है या हमारे जैसे जो युवा लोग हैं जो पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं, मिल करके मजबूती के साथ बिहार को अगर सशक्त बनाने के लिए फिर से प्रयास करें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि बिहार फिर से अपने स्वर्णिम दौर में अगले 10 साल में भी आ सकता है। 10 साल से कम समय में बिहार को अपने 30-40 साल पहले के स्वर्णिम परिस्थिति में लाया जा सकता है, संभावनाओं की वहां कोई कमी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आपने जो पहले की बात कही कि कांग्रेस की जब सरकार हुआ करती तब बिहार की स्थिति अच्छी थी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ अचानक से वहां के लोग पलट क्यों गए? मतलब कांग्रेस अगर बहुत अच्छे तरीके से वहां काम कर रही थी, तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो लोगों में इतना बदलाव कैसे आ गया दूसरी पार्टी को चुनने का? देखिए एक बड़ी चर्चा का विषय है, इस पर बृहद चर्चा घंटों हो सकती है और मैंने आपको बताया कि इस पर हम लोग अलग से भी बात कर सकते हैं। उस समय बिहार की ऐसी जरूरत महसूस हुई होगी बिहार के निवासियों को, उन्हें लगा हो कि इस पर सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता ज्यादा है, अपनी राजनीतिक शक्ति, अपनी राजनीतिक सामर्थ्य इस ओर लगाया जाए, तो बिल्कुल लोग उस ओर प्रयासरत हो गए। राजनीतिक एक परिवर्तन आया बिहार के अंदर, जी उस जी पर टिप्पणी करना, बिल्कुल उस पर चर्चा करना एक लंबा विषय हो जाएगा। लेकिन ये है कि बिल्कुल संभावनाओं की बिहार में कहीं कोई कमी नहीं है, थोड़ी सी विजडम, थोड़ा सा विल पावर, थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, बिहार 10 साल के अंदर देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल एक सवाल मेरा बार बार आ रहा है दिमाग में कि यहाँ पर जब हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं तो पार्टी ये नहीं कर रही है वो नहीं कर रही है, अलग अलग ऑपोजिशन को देखें या रूलिंग पार्टी को देखें उनकी बात आती है, लेकिन भारत देश के एक आम नागरिक की क्या भूमिका बनती है इन लक्ष्यों को लेकर कि एक एक नागरिक कैसा कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है कि हो सकता है उनके इतने अलर्टनेस से सरकारें जाग जाएं और ये लक्ष्य जो है वो सही टाइम पर अचीव हो पाए? फिर आपने सवाल भी किया और जवाब भी खुद दे दिया और धन्यवाद नहीं मैं ये कहता हूँ उसके लिए। कहना देखिए अलर्ट देश को, अलर्ट देखिए तो देखिए अलर्ट तो आम नागरिक कहता है नहीं हम बहुत अलर्ट हैं, एक वोट देने से ही लोग कहते हैं नहीं हम तो बहुत पॉलिटिकली अपडेटेड है, लेकिन वास्तविक स्थिति उनको नहीं पता होती है। खुद उनको इतना एजुकेशन दिया जाए कि वो समझ पाए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है और हमको आगे क्या करना है, और सरकार से हम एक आजकल तो सोशल मीडिया के जमाने में एक आम नागरिक सरकार से आसानी से सवाल पूछ सकता है। ट्विटर एक बिल्कुल इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि अगर हम एक सवाल पूछें तो आसानी से गवर्नमेंट को उसका जवाब देना ही पड़ेगा, देना बिल्कुल, ही पड़ेगा, नहीं तो आने वाले आपको उसमें आपको हमारी कांग्रेस की सरकार ने RTI दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन। आप लिखिए RTI की चिट्ठी, किसी को बड़े बड़े अधिकारी की जवाबदेही बनती है, उनको जवाब देना पड़ता है। हालांकि इस मौजूदा सरकार ने RTI के बहुत सारे प्रोविजंस को भी लिक्विडेट कर दिया, कमजोर कर दिया है, लेकिन फिर भी आपके हाथ में एक ताकत है। सवाल आपका बहुत अच्छा बिल्कुल है, इस पे
बात लंबी हो सकती है लेकिन समय कम है, तो संक्षेप में मैं ही कहना चाहूंगा कि जी पहले सोसाइटी को ओवरऑलिंग की जरूरत है, एक बड़े स्तर पे एजुकेट किए जाने की जरूरत है। और बिल्कुल जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि प्रोफेशनल कोर्सेज कर लिए, इंजीनियरिंग कर लिया, MBBS कर लिया, लॉ तो चलिए कुछ हद तक मैं समझता हूँ कि जागरूकता लाता है आपके अंदर, बाकी करेक्ट स्किल डेवलपमेंट वाले, स्किलिंग वाले कोर्सेज करके लोग समझते हैं कि उससे उनका एजुकेशन पूरी हो गई। मेरे हिसाब से एजुकेशन दरअसल सिर्फ स्किल कर लेना अपने आप को नहीं, परंतु आपको अपने अपने हिस्ट्री की जानकारी होना, अपने इतिहास की जानकारी होना, आपकी सरकार की व्यवस्था कैसे चलती है, सिविक्स की, प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी होना, और बिल्कुल अपने खुद के अधिकार और अपने अपने जो ड्यूटीज हैं उनकी जी भी प्रॉपर तरीके से जानकारी होनी चाहिए। तो हमें लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है, सोशली एजुकेट करने की जरूरत है, मीडिया एजुकेट बिल्कुल करने की जरूरत है कि मीडिया में क्या लिखें, कैसे लिखें, मीडिया जो दिखाता है उसमें से किसको सही माने किसको नहीं माने, पॉलिटिकली एजुकेट करने की जरूरत है और उनको ये एहसास कराने की जरूरत है कि ये सरकार उनकी सेवक है। जब बिल्कुल आप किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो वहां जो हाँ अधिकारी बैठा होता है वो सरकारी नौकर है, कहते हैं ना करेक्ट सरकारी नौकरी में है, गवर्नमेंट सर्वेंट और यस सरकार किसकी है, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, लोगों के यस द्वारा, लोगों की सरकार, फॉर द सरकार पीपल आपकी है, सरकार आप है, सरकार आपको बनने का, सरकार में आने का अधिकार 5 साल में एक बार मिलता है। अपनी जी बिल्कुल खुद की जिम्मेदारी को समझें, ऐसे प्रतिनिधियों को चुनें, ग्राम स्तर हो, ब्लॉक स्तर हो, वार्ड पे आपको अपने प्रतिनिधि चुनने हो, विधायक चुनना हो या लोकसभा सांसद चुनना हो, आप ऐसे प्रतिनिधियों को चुने, ऐसी पार्टी को चुने जो आपके जो मूलभूत मुद्दे हैं वो मुद्दे, वो आपकी जो जरूरतें हैं जो सुबह से लेकर शाम तक आपको ऑक्यूपाइड रखती हैं, बिजी रखती हैं, उसको समझ जी सके, आपके रोजगार की व्यवस्था करे, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था करे, आपके लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनाई जाए, आपके लिए अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था बनाई जाए, आपके लिए अच्छी जी सड़कें बनाई जाए, आपके लिए अच्छी बिजली मिले समय पे, मुद्दों के ऊपर बात होनी चाहिए, मुद्दों के ऊपर वोटिंग होनी चाहिए, मुद्दों के ऊपर राजनीति होनी चाहिए, मुद्दों के ऊपर राजनीति करने वाले लोगों को ही अपने कंधों पर बिठा के घुमाना चाहिए। पहला सवाल तो ये, और इस तर्ज में समाज को काम करना होगा। अब रही बात कि समाज जब सवाल उठाने की बात आती है, जब देश की जनता के सवाल उठाने की बात आती है, तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि सोशल मीडिया के माध्यम से किसी सुदूर गांव में बैठा हुआ एक व्यक्ति भी एक दिल्ली में बैठी हुई सरकार से सवाल कर सकता है। तो उनको सवाल करने की जरूरत है कि भाई सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, सिर्फ एक बिल्कुल बार और 5 साल में वोट डाल देने से नहीं बेसिकली होता है। बिल्कुल बिल्कुल बेसिकली दिक्कत ये है ना कि जो गांव के क्षेत्र में लोग बैठे हुए हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो जरूर कर रहे हैं लेकिन जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। उनको सोशल मीडिया का पॉजिटिव साइड नहीं पता है कि वो एक सोशल मीडिया पे एक सवाल करने से वो अपने गांव की पूरी तस्वीर भी बदल सकते हैं, तो मैंने ये कहा ना वाला आपको सोशल बिल्कुल मीडिया, सोशल मीडिया एजुकेशन की जरूरत है कि सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल करना है, बिल्कुल, उस पे लोगों को बिल्कुल। सेंसिटाइज करने की, लोगों को बताने की, अवेयर करने की जरूरत है, बड़े स्तर पे करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा सर, और बहुत सी ऐसी बातें बताई जो अगर एक कॉमन इंसान सुनेगा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चेंज करने की कोशिश करेगा, और इसमें ऐसी बातें सामने निकल के आई जिसमें ये देखने को मिला कि अगर विलिंग रही यानी कि अगर हम लगातार इन मुद्दों पर बने रहे, इस पर चर्चा होती रही, लोग भी इस मामले में एजुकेट हो गए तो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में ज्यादा देरी नहीं लगेगी। बस एक एक नागरिक के इसमें एक एक नागरिक का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसमें आप, आपकी बात में बस ऐड करके कंक्लूड करने से पहले आपसे ज्यादा चाहूंगा 1 मिनट। हमारे जी पास हाँ अगर आप संसाधन की बात करें तो हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा मानव संसाधन है, हम जिसे अपनी लाइबिलिटी बना रहे हैं, अपनी जनसंख्या को, चाइना ने जी उसी जनसंख्या को एसेट बनाया था। बिल्कुल जिस दिन हमने अपनी जनसंख्या को एसेट में बदलने का निर्णय कर लिया, हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा मानव संसाधन है, हमारे पास बहुत बड़ा कल्टीवेबल लैंड बैंक है, बिल्कुल और पॉसिबली कल्टीवेबल लैंड बैंक है जिसको अभी तक कल्टीवेट नहीं किया गया है, हमारे जी पास देश में कई प्रमुख नदियां हैं, हमारे पास दुनिया में जिस प्रकार की भी खनिज संपदा की आपको आवश्यकता, कोयले से के यूरेनियम तक, वो हमारे देश में है।
हम इतने साधन संपन्न हैं प्राकृतिक रूप से मानव संसाधन में, कि थोड़ा विल पावर, थोड़ी मेहनत और अकाउंटेबिलिटी अगर क्रिएट कर दी जाए पॉलिटिकल पार्टीज की, जनता खड़ी होकर सवाल पूछने लगे तो हालात बदलने में 10 साल से ज्यादा समय नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, और इसी विलिंग की जरूरत है हर एक नागरिक में। अगर ऐसी विलिंग आ गई तो ऑफ कोर्स जो लक्ष्य है वो बहुत ही स्मूथली प्राप्त हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कीमती समय देने के लिए, समय निकालने के लिए और इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद इसने, और आपकी पूरी टीम का, कि आपने इस तरह की चर्चा का आयोजन किया।